घूमने फिरने का शौक रखने वाले लोगों के लिए इस दुनिया में रोमांच की कमी नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेस है जहाँ पर जाने में किसी भी आम इंसान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन घूमने फिरने के शौक रखने वाले और रोमांच को करीब से अनुभव करने की हिम्मत रखने वाले लोगों के लिए ये सभी जगह किसी बर्धन से कम नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे ही मोस्ट डेंजरस टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर जाना मौत को बुलावा देने से कम नहीं है। नंबर 5, घूमने फिरने के शौक रखने वाले लोगों ने दुनिया की कई भी प्लेस ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ वो ना पहुँचे हो, यहाँ तक कि वो ज्वालामुखी के बेहद खतरनाक पहाड़ियों पर भी जा पहुँचे है। दुनिया के कई देशों में कुछ लोगों ने ज्वालामुखी के उगलने वाले पहाड़ों पर चढ़कर वहाँ से एक बोट पर बैठकर फिसलते हुए नीचे आने को एक स्पोर्ट्स बना लिया है। इसके लिए वो कई घंटों की चढ़ाई करके ज्वालामुखी वाले पर्वत की टॉप पर पहुँचते है, फिर वहाँ से एक बोट के सहारे वो तेजी से नीचे उतरते है। इसी दौरान उनकी स्पीड लगभग 85 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है। ऐसे में बाहर बिखरे हुए लावा उड़कर आंखों को अंधा करने के लिए काफी होते हैं। हालांकि यह सभी टूरिस्ट पूरी सेफ्टी के साथ ही ये करते हैं। आज तक इस अनोखे स्पोर्ट्स में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन यह रोमांच करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 4, अगर आप हवा में उड़ने का शौक रखते है तो आपके लिए ये प्लेस काफी काम का साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ हम आपको सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते है। अगर आप फिर भी उड़ने की चाहत रखते हैं तो यूके के जीप वर्ल्ड वेलोसिटी में चला आइए। वहाँ पर आपको एक ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ एक रस्सी के सहारे धकेल दिया जाता है। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हुए अच्छे अच्छे हिम्मती लोगों की भी जान हथेली में आ जाती है, लेकिन फिर भी इस जगह पर रोजाना हजारों लोग सिर्फ 2 मिनट की छलांग लगाने के लिए पहुँचते है। तो ऐसे में अगर आप भी हवा में सुपरमैन की तरह उड़ने का शौक रखते हैं, तो इस बेहद एडवेंचरस राइड का आनंद जरूर ले। नंबर 3 पर है चाइना का ये पुल, जो कि हर कदम पर मौत का दर्शन करवाता है। वैसे तो चाइना बहुत से ऐसे अनोखे ब्रिज बना चुका है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती रहती है, लेकिन चाइना का ये ब्रिज वाकई में काफी रोमांच का अनुभव देता है। इस पर चलते समय आपको एक सेफ्टी बेल्ट से बांध दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक कदम बढ़ते हुए आप रोमांच की सारी हदें पार करने का अनुभव करेंगे। चाइना का ये ब्रिज लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर बना है और सिर्फ टूरिस्ट को रोमांच का अनुभव करने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर चलते समय अगर आप नीचे गिरते है तो सीधे 200 मीटर गहरी खाई में जाकर थमेंगे और इस हालात में आपकी मौत निश्चित है। नंबर 2, अगर आप अपने हिम्मत को चेक करना चाहते हैं तो चीन में स्थित वुशान पहाड़ पर चले आइए। इसके बारे में यह तक कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पहाड़ पर अकेले ही पूरी चढ़ाई कर लेता है तब उसकी जिंदगी से डर नाम का शब्द भी खत्म हो जाती है। एकदम खड़े चट्टान वाले इस पहाड़ की चढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि यह चढ़ाई करने के लिए सेफ्टी बेल्ट और हुक भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी हजारों फीट ऊंचे इस पहाड़ पर चढ़ना समझो मौत के बेहद करीब से निकलने का अनुभव है। ट्रोयल टुम्बा पत्थर के बारे में हो सकता है आप सभी ने सुना हो। ये एक ऐसा पत्थर है जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक पहाड़ पर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पत्थर अपने आप में ही अनूठा है। आप इसे देख कर यहाँ पहुँचने के रोमांच का अंदाजा लगा सकते है। रोमांच के साथ ही ये पत्थर आपको मौत को कितने करीब से देखने का अनुभव देता है आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आए दिन लोगों की मौत भी होती रहती है क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों टूरिस्ट 800 मीटर की बेहद खतरनाक चढ़ाई करके इस पत्थर पर पहुँचते है, क्योंकि यहाँ से दिखाई देने वाला नज़ारा दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारा कहा जा सकता है। तो गाइज आपको क्या लगता है इनमें से सबसे डेंजरस टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? आपका आंसर कमेंट में जरूर लिखना और ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।